मैं अभी ऊपर आया हूँ और मैंने देखा ये जो तरपाल थी ना, ये तो ठीक है, लेकिन ये देखें, ये बड़ी तरपाल मैंने वहाँ तक लगाई हुई थी दीवार तक, हवा के ज़रिए सारी तरपाल भी गिर गई, और जो कूलर लगाया हुआ था मैंने, आपको दिखाता हूँ, ये देखें कूलर भी नीचे गिर चुका है। अभी इसको उठाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ये शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया है। पहले मौसम बहुत ख़राब था, गर्मी थी और मुर्गों की बुरी हालत हुई पड़ी थी। तो अभी मैं देखता हूँ कूलर टूट ना गया हो, तो इनके लिए लगाया हुआ था मुर्गों के लिए। सबसे पहले इन्हें सीधा करते हैं, फिर ये देखें सारी तरपाल नीचे गिर चुकी है। ओहो, कूलर के अंदर जो पानी था वो भी निकल चुका है सारा इसके अंदर से। तो सारा पानी निकल के खुश्क हुआ पड़ा है अभी। तो तरपाल जो है वो मैं सही कर देता हूँ ताकि सेट हो जाए। अच्छा, जो तरपाल है वो मैंने ऊपर फेंक दिया, क्योंकि इसको पक्का करके नहीं मैंने बांधा था, तो बार बार नीचे गिर जाती थी। एक दो दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको पक्का कर देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो कूलर था वो जी पीछे से टूट चुका है, तो पीछे वाली साइड सारी इधर से अंदर से टूट चुकी है, और जो आगे वाले दो टायर थे वो भी टूट चुके हैं, और पानी सारा नीचे से लीक हो चुका है। तो पिछले साल ये लिया था और दो ढाई साल पहले ये लिया था, दोनों अब ख़राब हो चुके हैं। कोशिश करूँगा बहुत जल्द ठीक करवा लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आप दोस्तों के लिए एक सरप्राइज़ है, चले बता ही देता हूँ आपको। आज की वीडियो के अंदर हम गैनाफोल्स के एग्ज़ रखेंगे मशीन के अंदर, इनक्यूबेटर के अंदर, और कुछ मेरे घर के मुर्गों के अंडे वगैरह पड़े थे तीन चार, वो रख दूंगा। तो उम्मीद है निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे एक दोस्त दे गया था गैनाफोल्स के एग्स, मैंने कहा चले मैं अपने इनक्यूबेटर में रख लूँगा, इंशाल्लाह हमारे सेटअप के ऊपर बहुत जल्द गैनाफोल्स आ जाएंगी। तो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले इन्हें पानी वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन्हें पानी दाना सारा कुछ डाल, यानी पानी नहीं डाला था, दाना डाल दिया था, तो इन्होंने खा लिया है। तो पानी के लिए किस तरह मांग रहे हैं पानी, तो इन्हें पानी देते हैं, उसके बाद फिर गैनाफोल्स के एग्स वगैरह लाता हूँ। इनक्यूबेटर जो है वो मैंने तकरीबन एक घंटा पहले चला दिया था, तो अभी चल रहा है तकरीबन वाले हैं, तो इस तकरीबन आधे घंटे के अंदर इसके अंदर एग्स रख देंगे। अच्छा, मैंने पानी भर लिया, और पानी के अंदर मैं सीरप मिलाऊँगा बुखार वाली, नज़रा ज़ुकाम वाली, क्योंकि एक दो दिन हो गए मौसम चेंज होने की वजह से ना कुछ मुर्गे या चूज़े मेरे बीमार हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी ये एरिनेक सिरप इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि बीमारी से महफूज रहें ये। चलें जी, ये थोड़ी से थोड़ी सिरप यूज़ करनी होती है, उसके साथ ही मुर्गे फिट रहते हैं, क्योंकि ये तीन दिन मैं देता हूँ थोड़ी थोड़ी पानी के अंदर मिक्स करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गे बिल्कुल फिट रहते हैं मेरे, तो सबको मिस कर। जो डब्बे थे वो मैंने उठा लिए, और तीन वो लेके आ रहा है हंजला, ये ले ली। ओहो, चलो चलो, आधा पानी तो नीचे गिर गया, ऊपर वाली मुर्गी को भी दे देता हूँ, क्योंकि ये कुड़क हो गई थी लेकिन इसको मैंने बिठाया नहीं है। तो इसके जो एग्स वगैरह थे वो मैं इनक्यूबेटर के अंदर रखूँगा, पीछे हो जाओ, मैं इनको डाल देता हूँ पानी। चलो ये देखें, सुबह से प्यासे थे, आज मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। ये लो जी, दोस्तों ये मुर्गी जो है ना, ये मैंने बिठाई हुई थी एग्स के ऊपर, अभी अंडों से उठ के आई है, क्योंकि रात का इसने दाना पानी खाया हुआ है, अभी आई है, इसने दाना पानी खाना है और एग्स के ऊपर जाके बैठ जाना है। तो इसको इधर ही बाहर फिरने देते हैं, और बाकी सब को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाना पानी डाल दिया है। इनक्यूबेटर देख लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं, उम्मीद है सही से हैच करेगा चिक्स, क्योंकि ये काफ़ी देर बंद रहा है, और काफ़ी दिनों के बाद इसके अंदर से हैचिंग करवाऊँगा मैं, और टेम्परेचर भी ठीक से दे रहा है। तो अभी इसके अंदर एग्स वगैरह रखते हैं जो मैंने रखे हुए हैं, तो अभी एग्स मंगवाता हूँ नीचे से, क्योंकि मैंने नीचे फ्रिज के अंदर रखे हुए थे और रात को मैंने बाहर निकाल दिए थे। जाओ अंजला, नीचे से जो एग्स मैंने रखे हैं वो लेके आओ, मशीन के अंदर रखते हैं। अच्छा, इनके काम चेक करो, ये इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, तो अभी कुछ बेहतर हुए हैं, क्योंकि मुर्गी को देख के ना वो, ये जो मेल है ये बहुत अग्रेसिव हो जाता है,
इनके साथ लड़ पड़ता है। जो ये फीमेल है इसने सारी इसकी कमर के जो पार थे वो नोच दिए हैं, तो इसके परों के नीचे जो पार हैं वो बिल्कुल ही गंजे हुए पड़े हैं, तो इनको भी सेपरेट करना पड़ेगा या इनको बड़े केज के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ ले आए, तो एग्ज आ चुके हैं, इसको ना उधर रख दो नीचे, तो रखते हैं या मुर्गी के नीचे तो नहीं रखूँगा खैर, तो इंक्यूबेटर के अंदर रखूँगा, जब चिक्स निकल आएंगे इसके तो अंडे उठा के फिर इसके नीचे रख दूँगा। तो आपको एग्ज दिखाता हूँ मैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये मेरी रोज़र असील फीमेल के हैं, और ये भी उसका ही है, और ये थाई फीमेल का है इस मुर्गे के साथ मडागास्कर के साथ। तो जो इंक्यूबेटर है इसके अंदर पानी वगैरह रखता हूँ मैंने, अभी फ़िलहाल पानी नहीं रखा। तो जो ये फीमेल है ब्लैक वाली, ये इधर बैठाई हुई है मैंने नीचे, ये देखें दो एग्स पड़े हुए हैं, अभी मैंने ट्रे निकाल लिया और इसके अंदर बिस्मिल्लाह करके एग्स रखते हैं। हज़रत तुम अंडे इस तरह करो, अंडे उठाओ और मैं आराम आराम से इसके अंदर जोड़ दूँगा, तो आप इस तरह पकड़ के रखो ना। तो एग्स आ चुके हैं माशाल्लाह, तो एक एक करके ना मैं इधर जोड़ दूँगा एग्स। जो ये मुर्गी के हैं ये मैंने इस लाइन में रखने हैं ताकि पता लगे, ये सब गैनाफोल्स के एग्स हैं। ये देखें बिल्कुल छोटा सा अंडा है और ऊपर डोर डोर बने हुए हैं, किस तरह का एग्स है। तो इसको भी इधर ही जोड़ देता हूँ, ये जी बिस्मिल्लाह, ये सारे अंडे इसके अंदर इस तरह जोड़ दूँगा। वैसे तो ये इसके अंदर 80 अंडे आ जाते हैं, अगर तो इतने इतने हुए तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा ही आ जाएंगे, तो बहुत छोटे छोटे अंडे हैं इसके ना। तो बाकी जो है वो साथ वाली लाइन के अंदर रख देता हूँ, ये ले कितने हैं बाकी, ये तकरीबन 15 अंडे होंगे, और एक अंडा अभी रोज़र फीमेल ने दिया नेकेड नेक ने, तो उसको भी इसके अंदर रख देता हूँ। और ये ले जी ये पूरे हो गए, 12 अंडे ये हैं और तीन अंडे ये हैं और एक और इधर आ जाएगा, इसको कर देते हैं बंद, ये खुद ही रोटेट होती जाएगी, इसको मैंने टाइमिंग पे लगा दिया, दिन में तकरीबन 3 से 4 मरतबा ये खुद रोटेट करेगी एग्ज़ को, और पानी वगैरह मैंने रख दिया नीचे। ये जी मुर्गी दाना पानी खा के खुद ही बैठ गई अंडों के ऊपर, और एक जो अंडा था वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ था इस डिब्बे के अंदर, ये रोज़र फीमेल ने दिया कल, तो इसको भी मैं इनक्यूबेटर के अंदर रख देता हूँ ताकि इसके अंदर सही से रहे। ये लें जी ये तकरीबन 4 अंडे मुर्गी के हो गए और बाकी गैनाफोल्स के हो गए हैं, तो इसको तकरीबन 4 से 5 दिन मैं इनक्यूबेटर के अंदर रखूँगा, उसके बाद ये चिक्स निकल आएंगे, ये जो चिक्स है फिर मैं इसको यानी ब्रूडर के तौर पे यूज़ करूँगा, इसके अंदर चिक्स ऐड कर दूँगा और जो अंडे हैं वो मुर्गी के नीचे हैच करवाऊँगा। तो जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हंजला इस तरह करो, ये जो मुर्गे हैं ना इनको बाहर निकाल दो, आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है, मैंने कहा चले ये बाहर फिरें और इन्जॉय करें, काफ़ी दिन से इनको बंद रखा हुआ था, और दूसरे तो चूज़े वगैरह तो बाहर फिरते रहते हैं, ये इनको बहुत कम मैं बाहर छोड़ता हूँ, तो आज इनकी बारी है, ये प्रिंस को भी बाहर ले आओ ताकि बाहर फिर ले, ये भी ये देखें जी कितने खुश हो रहे हैं, ये देखें ये जी मेरा बहुत ही लाडला मुर्गा प्रिंस, ये ले